Hello everyone, welcome back to my channel Learning with Pace. In this video, I am going to tell you the summary of the very first chapter in Flamingo, that is the last lesson. The last lesson written by Alphonse Daudet. आपने ये नाम जरूर याद रखना है क्योंकि question mostly आते हैं कि कौन सा chapter किस author ने लिखा है. ठीक है, तो अभी मैं जो है थोड़ा साइड हो जाती हूँ सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड अब हम इस चैप्टर को समझते हैं. अगर आपने इस तरीके से इस चैप्टर को समझा सारा चैप्टर आपको याद हो जाएगा. तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है द लास्ट लेसन किसने लिखी है. अल्फोंस डोडे ने लिखी है. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रूशियन वॉर. सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन ये किस सिचुएशन पर बेस्ड है, इसका बैकग्राउंड क्या है. सो बेसिकली एक वॉर हुआ था फ्रांस एंड प्रूशिया के बीच में. तो ये जो वर्ड है फ्रेंको इट मीन्स फ्रांस, प्रूशियन का मतलब है प्रूशिया. तो फ्रांस और प्रूशिया के बीच में वॉर हुआ था जिसमें प्रूशिया ने फ्रांस को हरा दिया था एंड फ्रांस की टू डिस्ट्रिक्ट्स थी एल्सेस एंड लोरेन, उसको भी कैप्चर कर लिया था प्रूशिया ने. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रूशिया है बेसिकली ये थ्री नेशंस की टेरिटरी से मिलकर बना हुआ था, जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया. इन तीनों की टेरिटरी से मिलकर प्रूशिया बना हुआ था. मॉडर्न डे प्रूशिया को जर्मनी के नाम से जाना जाता है. तो एक्चुअली हुआ ये उस टाइम पर जर्मनी को रूल कर रहे थे, मतलब जर्मनी के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था बिस्मर्क. तो बिस्मर्क के टाइम पीरियड में फ्रेंको प्रूशियन वॉर हुआ था जिसमें फ्रांस को हरा दिया गया था, प्रूशिया ने हराया था. और फ्रांस की जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो है एल्सेस एंड दूसरी है लोरेन, ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट भी जर्मनी ने या फिर ये कह लो प्रूशिया ने कैप्चर कर ली थी. प्रूशिया डिफिटेड फ्रांस. ठीक है, इस वॉर में प्रूशिया ने फ्रांस को हराया एंड फ्रेंच की जो दो डिस्ट्रिक्ट है एल्सेस एंड लोरेन ये किसके हाथों में चली गई, प्रूशिया के हाथों में चली गई. अब ये तो था हमारे चैप्टर का बैकग्राउंड. ठीक है, अब हम मेन स्टोरी शुरू करते हैं. मेन स्टोरी को शुरू करने से पहले आपको दो कैरेक्टर के नाम याद रखने हैं विच इज फ्रेंड्स एंड मिस्टर एमएल. मैंने यहीं कहीं लिखा होगा, अगर नहीं लिखा तो मैं यहां नाम लिख देती हूं. ठीक है, फ्रेंड्स एंड मिस्टर एमएल. ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स कौन थे. फ्रेंड्स बेसिकली ये स्कूल गोइंग बॉय है, एक स्कूल में जाने वाला बच्चा है जो अभी पढ़ता है एंड ये जिस स्कूल में जाता है वहां पर ये फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखता है. जिससे ये फ्रेंच लैंग्वेज सीखता है उसके टीचर का नाम है मिस्टर एमएल. एक और चीज आपने ध्यान रखनी है, ये जितनी भी स्टोरी हमें यहां बताई गई है ये हमें कौन बता रहा है, फ्रेंड्स. तो आप कह सकते हैं ये जो फ्रेंड्स है बेसिकली ये एक नरेटर भी है. नरेटर वो लोग होते हैं जो हमें कहानी बताते हैं, जो हमें कहानी नरेट करते हैं. सो हु इज अ नरेटर हियर, फ्रेंड्स, स्कूल गोइंग बॉय. अब चैप्टर की शुरुआत होती है, दो कैरेक्टर के नाम आपने ध्यान रखने हैं, फ्रेंड्स एंड मिस्टर एमएल. सो बेसिकली जो फ्रेंड्स है ना वो स्कूल के लिए काफी लेट हो रहा था, बहुत लेट हो चुका था बेसिकली एंड अब उसे डर था स्कूल जाने का. क्यों डर था, क्योंकि अगर वो स्कूल लेट जाएगा तो उसके टीचर मिस्टर एमएल उसे डांट मारेंगे. और उसे एक और चीज का डर था कि अगर वो स्कूल गया आज उसको स्कूल में पार्टिसिपल से रिलेटेड कुछ सुनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो मास्टर है मिस्टर एमएल, मिस्टर एमएल देखो इसकी प्रोनंसिएशन है एमएल, ठीक है, हैमल नहीं है, बट अगर आप हैमल भी बोलना चाहेंगे तो भी कोई रॉन्ग नहीं है, यू नो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द एक्सेंट बेसिकली. सो इसके अलावा अब आपको क्या याद रखना है कि जो फ्रेंड्स है ना वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था फर्स्ट. सेकेंड ये कि इसके स्कूल में इनके जो मास्टर हैं टीचर हैं पार्टिसिपल से रिलेटेड वो कुछ क्वेश्चन पूछने वाले थे लेकिन फ्रेंड्स को तो उसका फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता है, तो इसलिए वो दो चीजों की वजह से स्कूल जाने में डर रहा था. राइट, अब उसने सोचा कि क्यों ना वो स्कूल से भाग जाए. क्यों स्कूल से भाग जाए, क्यों, क्योंकि पार्टिसिपल्स के रूल याद रखना उसे बहुत ही मुश्किल लग रहा था और बाहर का मौसम उसे बहुत ही टेम्प्टिंग लग रहा था, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ही सुंदर था, ब्राइट था, वार्म था. यहां ध्यान रखना
फ्रांस एक कोल्ड रीजन है और जब वहां पर सनी डेज होते हैं वो चीज इनको बहुत अच्छी लगती है। बेसिकली इनको ये रहता है कि अगर सनी डेज है ये बाहर जाकर टाइम बिताएं। तो फ्रेंड्स अभी ये सोचता है कि क्यों ना स्कूल से बाहर जाए और बाहर ये टाइम स्पेंड करे, तो ये कुछ चीजें देखता है। एक तो ये कि बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, दूसरा ये बर्ड्स चर्प कर रहे हैं, तीसरा ये कि एक सो मिल थी, सो मिल का मतलब है जहां पर लकड़ियों का काम होता है, उसके पीछे एक ओपन फील्ड था, एक खुला सा मैदान था, वहां पर प्रूशियन सोल्जर्स जो थे वो अपनी ड्रिलिंग कर रहे थे, अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स को बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लग रही थी और अच्छी लग रही थी। उसे लगा कि क्यों ना इस चीज के बीच में वो टाइम बिताए रादर देन गोइंग टू स्कूल। बट अगेन He had the strength to resist. वो सोचता है कि नहीं, स्कूल ही जाना अच्छा है। Why? Because we are bound to the system. आप ही देख लो, क्या आप स्कूल से bunk कर सकते? It's not easy to bunk from the school, right? So in the similar way, friend सोचता है कि नहीं, वो स्कूल से स्कूल जाना चाहिए। तो वो भागा 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 जो है स्कूल जाता है। जब वो स्कूल जाता है ना, बीच में एक टाउन हॉल पड़ता है। टाउन हॉल एक प्लेस है, एक जगह है। तो टाउन हॉल में ना एक बुलेटिन बोर्ड लगा होता है, जैसे आपके स्कूल में होता है ना इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ होता है, एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ होता है। सो टाउन हॉल में ये देखता है कि एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है और उसके आगे ना बुलेटिन बोर्ड के आगे भीड़ इकट्ठी हो रखी है, लोग उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है वो पढ़ रहे हैं। अब फ्रेंड्स जो है, जब वो ऐसे भागा भागा जाता है टाउन हॉल में, जब वो भीड़ देखता है और ये देखता है कि लोग बुलेटिन बोर्ड पर कुछ पढ़ रहे हैं, तो अब फ्रेंड्स सोचता है कि लोग ऐसा क्या पढ़ रहे हैं यहां पर, पिछले 2 सालों से हमें यहां से बुरी खबरें सुनाई दे रही हैं। अब यहां कौन सी बुरी खबर की बात करता है? बेसिकली वो यहां पर बात करता है कि हम लोग जो फ्रांस के लोग हैं वो जर्मनी से हार गए थे। एक तो ये न्यूज उसे पता चलती है, और दूसरा ये कि जो भी बर्लिन से ऑर्डर आते हैं उस ऑर्डर में हमेशा एल्सेस एंड लोरेन के बारे में बुरा ही लिखा होता, कुछ अच्छा नहीं लिखा होता। सो बेसिकली अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम टाउन हॉल में इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों हो रखी थी, वो चीज आप ध्यान रखो। देखो एक्चुअली ना बर्लिन से एक ऑर्डर आया था। अब आप कहोगे मैम हमने फ्रांस की बात कर ली, प्रूशिया, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया की बात कर ली, बर्लिन का नाम कहां से आया? एक्चुअली बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। देखो जैसे अपने इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली से ही सारी फरमान जारी होते हैं, ठीक है, सारे ऑर्डर पास ऑन होते हैं। ऐसे ही जर्मनी में भी जो भी जर्मनी के थ्रू ऑर्डर पास ऑन किया जाना है वो बर्लिन से ही आता है। सो बर्लिन से एक ऑर्डर पास ऑन हुआ था और ऑर्डर ये था कि फ्रेंको प्रूशियन वॉर में फ्रांस को हरा दिया था प्रूशिया ने, तो एल्सेस एंड लोरेन जो दोनों फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट्स हैं अब वो प्रूशिया के हाथों में चली गई, राइट। तो अब ये ऑर्डर आया बर्लिन की तरफ से कि एल्सेस एंड लोरेन अब जर्मनी का हिस्सा है, प्रूशिया का हिस्सा है, वो फ्रांस का हिस्सा नहीं है। तो इसीलिए आज से एल्सेस एंड लोरेन के स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच लैंग्वेज। ये ऑर्डर कहां लिखा हुआ था? बुलेटिन बोर्ड पर टाउन हॉल में, ठीक है। बट उस टाइम पर फ्रेंड्स को नहीं पता था कि क्या लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स अपना मस्ती में भागा भागा जा रहा था स्कूल, क्योंकि वो काफी लेट हो रहा था। तो उसको ना पीछे से किसी ने आवाज दी। किसने आवाज दी? एक ब्लैक स्मिथ ने, जिसका नाम था वॉचर। और ये जो वॉचर है ना, ये अपने अप्रेंटिस के साथ आया था। अप्रेंटिस का मतलब जो इसके अंडर काम करता है। तो इसके अंडर ना कोई एक बंदा है, वो इसके अंडर काम करके इसे सीखता है कि ब्लैक स्मिथ का काम होता कैसे है। तो ये ब्लैक स्मिथ जो है, जिसका नाम वॉचर है, ये आवाज देता है किसको? फ्रेंड्स को। फ्रेंड्स को आवाज देता है कि डू नॉट गो सो फास्ट बब, तुम टाइम पर स्कूल में पहुंच जाओगे, इतना दौड़ दौड़ कर मत जाओ। यहां पर आपको एक चीज समझनी है स्टूडेंट्स, कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि फ्रेंड्स जो है वो स्कूल जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये जो ब्लैक स्मिथ है वो कहता है कि तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए इनफ टाइम है। तो यहां कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हुई ना। तो एक्चुअली ना यहां पर जो भी ये वॉचर, या मतलब जिसे हम ब्लैक स्मिथ कह रहे हैं, ये ना यहां एक सरकेस्टिक टोन में कहता है, क्योंकि इसने बुलेटिन बोर्ड पर पढ़ लिया था कि अब से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बल्कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए वो सार्केस्टिक टोन में कह रहा था कि मतलब ऐसे दौड़े दौड़े मत जाओ, तुम्हारे पास बहुत टाइम है स्कूल जाने के लिए। क्यों? क्योंकि अब तो तुम फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ोगे ना, अब तो तुमको जर्मन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, राइट। तो इसलिए वो ये बात बोलता है। एनीवे, तो जब ये जो वॉचर है, जब ये यूं कहता है ना कि इतना दौड़ दौड़ कर स्कूल मत जाओ, तुम्हारे पास इनफ टाइम है, तो इस बात से फ्रेंड्स को लगता है कि ये उसका मजाक बना रहा है। लेकिन फ्रेंड्स फिर इग्नोर कर देता है उसे और फ्रेंड्स जो है अब स्कूल पहुंच जाता है। बट ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ। वाई? बिकॉज वो दौड़ा दौड़ा जब स्कूल जाता है तो थक जाता है लास्ट में जाकर, ठीक है। अब वो जैसे ही स्कूल पहुंचता है, वो स्कूल में देखता है एवरीथिंग इज सो पेक्यूलियर, सब चीजें अजीब सी हैं।
लेकिन उससे पहले वो हमें ये बताता है कि उसके स्कूल में यूजुअल डेज पर होता क्या है। तो वो कहता है कि यूजुअली उसके स्कूल में होता ये है, इतना शोर शराबा होता है, इतनी हसल बसल होती है कि उसकी आवाज बाहर सड़क तक भी आती है। स्कूल में जो भी चीजें होती है वो सारी आवाजें सड़क तक भी सुनाई देती है। कौन कौन सी आवाजों की बात करें, डेस्क के ओपन एंड बंद होने की आवाज। फिर वो कहता है सभी बच्चे यूनिसन मेथड में कोई भी चैप्टर को लाउडली पढ़ते हैं, याद करते हैं, अपने कान पर ऐसे हाथ रख के उसको मतलब ऐसे तो तेज तेज आवाज में सब मिलकर पढ़ते हैं ताकि उनको चीजें अच्छे से लर्न हो जाएं। अब मैं यूनिसन का मतलब बता देती हूँ। जैसे कि यूनिसन का मतलब जब हम एक साथ, जैसे कि आपने किस कभी ना ऐसे होता है ना कि 2 1 2 ऐसे टेबल्स जो है बच्चे याद करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, तो इस तरीके से जब सब बच्चे एक साथ याद करेंगे उसे क्या कहेंगे, यूनिसन मेथड, राइट। तो बेसिकली यूनिसन मेथड होता है जब एक साथ बोल बोलकर पढ़ते हैं। और फिर वो कहता है कि इनफैक्ट रूलर की आवाज भी स्ट्रीट तक सुनाई देती थी। रूलर का मतलब एक्चुअली इनके जो मास्टर है ना, मिस्टर एमएल, ये जो टीचर है, ये अपने साथ ना एक बड़ा सा रूलर रखते हैं, राइट। और ये उस रूलर से जो है एक डेस्क पर स्ट्राइक करते रहते हैं, राइट। तो बेसिकली इसकी जो आवाज है ना, जो वो मतलब जो इसके टीचर है, जब वो ऐसे डेस्क पर अपना रूलर मारते हैं तो उसकी आवाज भी बाहर सुनाई देती है। सो बेसिकली यहां तीन चीजों की बारे में बात किया, एक तो डेस्क की आवाज, एक यूनिसन मेथड की आवाज और एक रूलर की आवाज। ये तीन चीजें जो है यूजुअली उसके स्कूल में इसकी हसल बसल चलती रहती है। बट आज उसने एक चीज नोटिस की, ना तो डेस्क की आवाज आ रही है, ना यूनिसन मेथड में कोई पढ़ रहा है, और ना ही किसी रूलर की आवाज आ रही है। वो ये देखता है कि स्कूल में सब कुछ अनयूजुअल है। कैसा, जो आज तक कभी नहीं हुआ। उसके स्कूल में सब चीजें स्टिल हैं, मतलब सब एकदम शांत है, कोई आवाज नहीं है। एंड उनके जो टीचर हैं उन्होंने एक स्पेशल ड्रेस पहनी है, एक ऐसी ड्रेस जो उसके टीचर किसी स्पेशल ओकेजन्स पर पहनते हैं, जैसे कि या तो कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता है या कोई इंस्पेक्शन डे होता है। तो ऐसी ड्रेस पहनी हुई है जो यूजुअली उसके टीचर मिस्टर एमएल डेली नहीं पहनते। तो उस दिन उसके टीचर ने क्या पहना हुआ था, ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था, फ्रिल्ड एक शर्ट पहनी हुई थी एंड एक सिल्क ब्लैक कैप पहनी हुई थी। ठीक है, जो ब्लैक कैप थी वो सिल्क क्लॉथ में थी एंड एवरीथिंग वाज एम्ब्रॉयडर्ड, मतलब सब चीजों पे जो है डिजाइन बन रखे थे। तो ये देखता है कि उसके जो टीचर है ना मिस्टर एमएल, यूजुअली वो बहुत सिंपल सादे आते हैं, लेकिन आज उन्होंने एक स्पेशल ड्रेस पहन रखी थी, वो स्पेशल ड्रेस जो वो स्पेशल ओकेजंस पर पहनते हैं, या तो किसी इंस्पेक्शन डे पर या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे पर। तो ये चीजें देख कर ना वो हैरान हो जाता है कि आज ऐसा क्या है, मिस्टर एमएल इतने स्पेशल कपड़ों में आए हैं, स्कूल में इतनी शांति है, कोई मतलब बातें नहीं कर रहा है, बच्चे अपनी क्लास में जो है चुपचाप बैठे हुए हैं एंड सब लोग अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो एक चीज और देखता है, बैक बेंचेस। वो ये देखता है कि उसके क्लासरूम में यूजुअली क्या होता है, उसकी क्लासरूम में बैक बेंचेस हमेशा खाली होते हैं, पीछे के बेंचेस हमेशा खाली होते हैं, बट आज उन पीछे के बेंचेस पर कौन बैठा हुआ था, विलेज के कुछ लोग बैठे हुए थे। एक तो ओल्ड होजर था, एक फॉर्मर पोस्टमास्टर था एंड एक फॉर्मर मेयर था। अब आपने एक चीज ये ध्यान रखनी है बेसिकली कि ये होजर कौन है। देखो होजर जो है कोई पोस्ट नहीं है, होजर नाम भी हो सकता है, सरनेम भी हो सकता है। और इसके अलावा एक चीज ध्यान रखनी है कि बैक बेंचेस पर जितने भी लोग बैठे थे वो सारे के सारे ओल्ड पीपल थे, बूढ़े लोग थे। क्यों हमें ये पता चल रहा है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये बताया हुआ है कि ये सभी लोग अपनी पोस्ट से रिटायर्ड थे। फॉर्मर पोस्टमास्टर का मतलब क्या हुआ, वो पोस्टमास्टर वो इंसान जो कभी पहले पोस्टमास्टर हुआ करता था बट अब वो रिटायर हो गया है। ऐसे ही फॉर्मर मेयर का मतलब कि वो इंसान जो पहले कभी मेयर था एंड आज वो रिटायर हो चुका है, राइट। तो अब वो देखता है बैक बेंचेस पर होजर, पोस्टमास्टर एंड मेयर, ये लोग बैठे हुए हैं। अब वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है फ्रेंड्स कि ऐसे कैसे, मतलब बैक बेंचेस पर ये लोग क्यों आके बैठे हैं, वो भी गांव के बूढ़े लोग क्यों आकर बैठे हैं। एक चीज और वो देखता है कि ये जो होजर है ना, ओल्ड होजर, इसके पास ना एक ओल्ड प्राइमर है। ओल्ड प्राइमर एक बेसिक सी बुक होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। जैसे कि सपोज करो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो आप उसकी बेसिक बुक उठाओगे, उसमें ए बी सी डी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, इस तरीके के आपको पिक्चर्स और इस तरीके की आपको प्राइमर मिलेगी जिससे आप बेसिक से सीख पाओ कोई भी लैंग्वेज को। सो ये ओल्ड होजर के पास फ्रेंच लैंग्वेज की एक ओल्ड प्राइमर थी एंड वो ओल्ड प्राइमर के जो एजेस थे, जो उसके किनारे थे, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है इसके ये जो किनारे हैं बेसिकली, राइट। तो ऐसे ही जो ओल्ड प्राइमर बुक थी उसके जो किनारे थे वो थंब थे। थंब का मतलब क्या होता है, फटे हुए थे, ठीक है।
अब इसके बाद आपने क्या ध्यान रखना है, यहां तक आपको समझ आ गया? खैर, अभी तक फ्रेंड्स को ये नहीं पता चल रहा था कि शांति क्यों है इतनी, और हमारे जो मिस्टर एमएल है वो इतने स्पेशल ड्रेस में क्यों आए हुए हैं, बैक बेंचेस पर ये लोग क्यों बैठे हुए हैं, अभी तक फ्रेंड्स को कुछ नहीं पता। धीरे धीरे उसे क्लैरिटी मिलेगी। अब देखो क्या होता है, अब होता ये है कि जब ये सब चीजें वो सोच रहा होता है फ्रेंड्स, तो उसका नाम किसी ने बुलाया। अब किसने बुलाया उसका नाम? एक्चुअली उसका नाम मिस्टर एमएल ने बुलाया, क्योंकि अब उसकी बारी थी पार्टिसिपेंट्स को रिसाइट करने की। लेकिन वो पार्टिसिपेंट्स को रिसाइट नहीं कर पाता, वो वर्ड्स को मिक्सअप कर देता है, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता होता ना पार्टिसिपेंट्स के बारे में। ही डजंट नो इवन द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। सो मिस्टर एमएल जो है, अब वो कहते हैं कि तुम चुप क्यों खड़े हो? तो जो फ्रेंड्स है ना, बेसिकली उसको शर्म आती है कि भाई मुझे ये पार्टिसिपल्स भी नहीं आते, वो क्लास में चुपचाप खड़ा, उसकी हार्ट थ्रोप कर रही है, वो ऊपर नहीं देख पा रहा है, उसके गर्दन ऐसे नीचे है शर्म के मारे कि भाई मुझे पार्टिसिपल्स नहीं आते फ्रेंच लैंग्वेज के। तो अब मिस्टर एमएल कहते हैं कि तुम इतना मत फील करो, इतना बैड मत फील करो फ्रेंड्स, बल्कि तुम्हारी नहीं, ये हम सब की गलती है। और देखो हम सब लोग क्या करते हैं, हम सब लोग कहते रहते हैं हमारे पास बहुत टाइम है, हम कल सीख लेंगे, हम हर चीज़ कल पर टाल देते हैं, हम कहते हैं वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, विल लर्न इट टुमारो, विल लर्न इट टुमारो। एंड साथ ही साथ मिस्टर एमएल ये भी कहते हैं एलसीएस में सभी लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो लर्निंग को हमेशा कल पर टाल देते हैं और कल कभी नहीं आता। और आज देखो हम ऐसे नतीजे पर आ चुके हैं जब हम फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन कर रहे हैं और अब से तुम लोगों को जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी एंड न्यू मास्टर तुमको आकर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहां पर मिस्टर एमएल एक बहुत गजब बात करते हैं, मतलब ऐसी बात जो सबको दिल को टच कर जाती है। तो मिस्टर एमएल कहते हैं कि तुम एक तरफ तो कहते हो कि हम फ्रेंच पीपल हैं, हम फ्रेंच पीपल हैं, लेकिन दूसरी तरफ तुम देखो तुमको ना तो फ्रेंच लैंग्वेज में ढंग से लिखना आता है ना बोलना आता है। तो तुम सब लोगों ने प्रूशियन सोल्जर्स को एंड सभी प्रूशियन पीपल को ये अधिकार दे दिया कि वो तुमको यू कहेंगे कि तुम तो फ्रेंच मैन होने का, मतलब फ्रेंच पीपल होने का ढोंग करते हो, प्रिटेंड करते हो, तुम शो करते हो, जबकि तुम एक्चुअल में फ्रेंच मैन नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमको तुम अपनी लैंग्वेज ही नहीं लिखनी आती, अपनी मदर टंग ही नहीं बोलनी आती, राइट? देखो जैसे कि सपोज करो अगर कोई कहे कि मैं हरियाणा से हूं, या फिर कोई कहे मैं इंडिया से हूं, अगर तुमको हिंदी ही नहीं आती या तुमको हरियाणवी, मतलब जैसे अगर मैं सपोज करो कोई हरियाणा से, तो हम उसको क्या कहेंगे, क्या तुझे हरियाणवी आती है? तो कहते नहीं आती। तो भाई तुम कहां से हरियाणा से हो तुमको जब अपनी ही मदर टंग नहीं आती? गॉट द पॉइंट? सो इसीलिए मिस्टर एमएल कहते हैं कि तुम सब लोगों ने प्रूशियन सोल्जर्स को ये राइट दे दिया कहने का कि तुम लोग फ्रेंच पीपल होने का ढोंग करते हो, तुमको अपनी लैंग्वेज ना तो बोलनी आती है ढंग से, ना लिखनी आती है। फिर मिस्टर एमएल कहते हैं ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, इनफैक्ट इसमें तुम्हारे पेरेंट्स का भी फॉल्ट है और इसमें मेरा भी फॉल्ट है। तो बेसिकली यहां पर मिस्टर एमएल एक चीज पर अग्री करते हैं कि यहां पर सिर्फ फ्रेंड्स का ही फॉल्ट नहीं है, फ्रेंड्स के पेरेंट्स का भी फॉल्ट है और खुद मिस्टर एमएल का भी फॉल्ट है। कैसे? देखो वो कहते हैं तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो चाहते थे कि तुम किसी मिल या फार्म में काम करो ताकि तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा अर्निंग कर पाओ घर के लिए। एंड फिर वो कहते हैं मेरे को इसलिए ब्लेम करना चाहिए क्योंकि मैंने कभी कभी तुमको अपने पौधों में अपने फ्लावर्स में अपने प्लांट में पानी देने के लिए भेज दिया, और कभी कभी मैंने उस दिन की छुट्टी कर दी स्कूल की जब मेरे को फिशिंग के लिए जाना होता था। तो यहाँ पर मिस्टर एमएल कहते हैं कि काश मैंने भी तुमको पढ़ाना है मैंने, और अपने टीचिंग प्रोफेशन को मैंने सीरियस लिया होता, काश तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हारी पढ़ाई को सीरियस लिया होता रादर देन सेंडिंग यू इन द मिल एंड द फार्म्स। फिर आगे एक और बात वो बोलते हैं, वो कहते हैं जब ये सब बातें हो जाती है, मिस्टर एमएल कहते हैं जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। तो ये कहते हैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज है, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज एकदम क्लियर लॉजिकल लैंग्वेज है और हमें इसे हमेशा गार्ड करना चाहिए। गार्ड का मतलब इसकी हमेशा सुरक्षा करनी चाहिए। क्यों सुरक्षा करनी चाहिए? यहां पर मेन थीम है बच्चों, ये ध्यान रखना, यहां मेन थीम है। एक्चुअली मिस्टर एमएल कहते हैं जिसके पास अपनी लैंग्वेज है ना, वो कभी भी एनस्लेव नहीं हो सकता, किसी का गुलाम नहीं हो सकता। और अगर तुम किसी का गुलाम बन गए ना, तो तुम्हारे पास अगर अपनी लैंग्वेज है तो तुम उस प्रिजन से बाहर आ सकते हो, क्योंकि उस प्रिजन की जो चाबी है वो तुम्हारे हाथ में, और वही चाबी तुम्हारी मदर टंग है। सो ऑल एंड ऑल मिस्टर एमएल यहां ये कहना चाहते हैं जिसके पास अपनी मदर टंग है उसके पास उसकी पहचान है, और जिसके पास उसकी पहचान है उसको कोई भी एनस्लेव नहीं कर सकता, कोई भी उसे बंदी नहीं बना सकता, राइट? फिर आगे अभी तक वो ग्रामर पोर्शन कर रहे थे पार्टिसिपल्स का, अब आगे वो आते हैं राइटिंग के पोर्शन पर। राइटिंग पोर्शन में
वो यहाँ पर क्या देखते हैं, बेसिकली एक्चुअली जो मिस्टर एमएल है वो नई कॉपीज लाए हुए थे सबके लिए. उन नई कॉपीज पर एलसेज लोरेन, एलसेज लोरेन ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे लग रहा था मानो कि जो फ्लैग्स है ना एलसेज एंड लोरेन्स के, वो पूरे क्लासरूम में फ्लोट कर रहे हैं. मतलब देखो मिस्टर एमएल जो है वो नई कॉपीज लाए थे, उन नई कॉपीज में जो है एलसेज लोरेन ऐसे लिखा हुआ था. तो वो सारी के सारी नोटबुक्स ऐसी लग रही थी जैसे कि मानो पूरी क्लासरूम में एलसेज एंड लोरेन के फ्लैग्स फ्लोट कर रहे हों. एंड इसके अलावा मिस्टर एमएल जो है जब उनको काम देता है करने के लिए, राइटिंग सेक्शन देता है, कुछ लिखने के लिए देता है, तो उस टाइम पर फ्रेंड्स ये महसूस करता है कि क्लास में साइलेंस है. और इतनी साइलेंस है कि छोटी छोटी चीजें भी सुनाई दे रही हैं, जैसे कि स्क्रैचिंग ऑफ पेंस. सब बच्चे जो हैं अपनी नोटबुक में लिख रहे थे, जब हम लिखते हैं पेन से तो पेन के स्क्रैच करने की आवाज आती है ना, तो यही बात वो कहता है कि इस क्लासरूम में इतनी साइलेंस थी, जब बच्चे लिख रहे थे ना उनके पेन के स्क्रैच करने की भी आवाज आ रही थी. एंड सब लोग अपने काम में इतने मगन थे, इतने कॉन्सेंट्रेट होकर लिख रहे थे कि एक बीटल्स आई और वो क्लासरूम में उड़कर बाहर चली गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया. फिर वो कहते हैं कि जो पिजन्स है ना जो छत के ऊपर है, वो अपने पंजों से, वो अपने क्लोज से ऐसे छत को स्क्रैच कर रहे हैं, ऐसे लग रहा था मानो वो भी स्टूडेंट की तरह फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ लिख रहे हूं. इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात यहां पर फ्रेंड्स कहता है कि ये जो पिजन्स है ना ऊपर बैठकर ये कू कू की आवाज निकाल रहे थे. तो अब यहां फ्रेंड्स कहता है कि ये पिजन्स की अपनी एक नेचुरल लैंग्वेज है, दैट इज कू कू, राइट. सो यहां पर जो फ्रेंड्स है वो कहता है कि क्या जर्मन जो है, जर्मन पीपल, वो इस पिजन को कहेंगे कि तुम हमारी लैंग्वेज में कू कू करो, राइट. सो बेसिकली यहाँ पर फ्रेंड्स ये कहना चाहता है कि हम सब की अपनी एक मदर टंग है और हम उस मदर टंग को चेंज नहीं कर सकते. वी शुड नेवर इम्पोज आर लैंग्वेज ऑन अदर, राइट. अब आगे जो है, जब सब बच्चे काम कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स जो है ऊपर मुंह उठाकर देखता है अपने जो है मास्टर को, मिस्टर एमएल को, तो देखता है मिस्टर एमएल ना एकदम मोशनलेस है, एकदम चुपचाप ऐसे बैठे हुए हैं और वो हर चीज को गेज कर रहे हैं. मतलब यहां वहां देख रहे हैं, हर चीज को इतनी ध्यान से देख रहे हैं जैसे कि मानो वो अपने दिमाग में एक पिक्चर फिक्स करना चाहते हो, एक इमेज फिक्स करना चाहते हो एज अ मेमोरी फॉर लाइफ टाइम. क्यों? क्योंकि उन्होंने 40 साल से यहां पर काम किया है, 40 साल से ये फेथफुल सर्विस दी है. अब इसे एक और पॉइंट ध्यान रखना, ये जो तीनों पीपल थे ना, होजर, पोस्टमास्टर एंड मेयर, ये यहां क्यों आए थे, यहां से आपको यह पॉइंट समझ आएगा. पहले ये लोग इसलिए आए थे क्योंकि इनको ये लग रहा था कि काश हम लोग भी बचपन में स्कूल गए होते और हमने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी होती, तो देवर फीलिंग रिग्रेटफुल. इसके अलावा ये लोग इसलिए आए थे क्योंकि मिस्टर एमएल ने 40 साल स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने में दिए हैं, तो ये मिस्टर एमएल की रिस्पेक्ट में आए थे. थर्ड, ये अपने लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में आए थे, अपने नेशन, अपनी कंट्री के रिस्पेक्ट में आए थे कि इनको अपनी कंट्री से देखो कितना प्यार है, अपनी मदर टंग से देखो कितना प्यार है, राइट. तो यहां पर अब हम दोबारा आते हैं. सो बेसिकली जो फ्रेंड्स, जो मिस्टर एमएल है, मिस्टर एमएल जो है वो हर चीज को गेज कर रहे थे एज इफ वो हर चीज को जो है अपने माइंड में पिक्चराइज करना चाहते हो, ठीक है. अब देखो, सबसे पहले ग्रामर का पोर्शन इन्होंने कंप्लीट किया, फिर राइटिंग का पोर्शन कंप्लीट किया, अब वो आए हिस्ट्री के लेसन पे. अब उन्होंने हिस्ट्री का लेसन कंप्लीट किया तो बेसिकली हर कोई जो है हिस्ट्री के लेसन को पढ़ रहा था. अब बारी आती है होजर की. होजर जो है वो रो रहा था और वो रोते रोते हिस्ट्री के लेसन को पढ़ रहा था. तो फ्रेंड्स कहता है कि जब वो रो के अपना लेसन पढ़ रहा था ना, तो उसकी आवाज कांप रही थी, उसकी वॉइस ट्रेम्बल हो रही थी और वो इतना फनी लग रहा था कि हमें एक टाइम पर हंसी भी आ रही थी और दूसरे टाइम हमें रोना भी आ रहा था. क्यों रोना आ रहा था? क्योंकि अब वो मिस्टर एमएल को कभी नहीं देख पाएंगे. सेकंड, वो मिस्टर एमएल को तो देख ही नहीं पाएंगे, साथ ही साथ वो फ्रेंच लैंग्वेज भी कभी नहीं पढ़ पाएंगे. एंड थर्ड, फ्रेंड्स ये भी कहता है कि उसके माइंड में जब बार बार ये बात आ रही थी ना कि मिस्टर एमएल को आज के बाद नहीं देख पाएंगे, तो उसके माइंड से मिस्टर एमएल की वो चीज़ें भी भूल गई जो चीज़ें उन्हें बुरी लगती थी, जैसे कि वो मिस्टर एमएल का रूलर भूल गए, वो मिस्टर एमएल का चिल्लाना डांटना सब भूल गए, मिस्टर एमएल का क्रैंकी नेचर वो लोग भूल गए. सो बेसिकली हमें यहाँ फ्रेंड्स ये बताना चाहता है कि जब हम किसी इंसान से दूर जाते हैं ना, हमें उसकी सारी बुराइयाँ भी फिर अच्छी लगने लग जाती हैं और हम उसकी सारी बुराइयाँ भी भूल जाते हैं. इसके बाद क्या होता है कि चर्च में जो है क्लॉक स्ट्रक करती है 12 पर, तो चर्च में आवाज आती है ना, इसे टन की आवाज आती है, 12 बज गए, ठीक है. इसके अलावा एक प्रेयर चालू होती है जिसे कहते हैं एंगल्स जो है, ये एक प्रेयर होती है, एक प्रेयर चालू हो जाती है चर्च में. अब बेसिकली जैसे ये प्रेयर चालू होती है, 12 बजते हैं, वैसे ही इनका टाइम फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने का खत्म हो जाता है, ठीक है.
अब देखो, अब होता यह है कि अब जो ये प्रूशियन सोल्जर्स थे ये अपने ड्रिलिंग से वापस आ रहे थे, और इतने में मिस्टर एमेल समझ जाता है कि अब उसे फ्रेंच लैंग्वेज या फ्रेंच की क्लास बंद करनी पड़ेगी। तो अब जो है ना, मिस्टर एमेल की आंखों से आंसू आने लगते हैं एंड वो ना कुछ बोलना चाहता है, वो आए आए ऐसे करके रुक जाता है, वो कुछ बोलना चाहता है बट उसका गला चोक हो जाता है, वो नहीं बोल पाता। तो मिस्टर एमेल जो है अपना सर ऐसे वॉल पर रख लेते हैं, ठीक है, ऐसे सर वॉल पर रख के ऐसे हाथ से यूं करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले वो ना एक चोक उठाते हैं, एक चोक उठाकर वो इस ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वी विल आ फ्रांस, दैट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, की फ्रांस हमेशा लॉन्ग लिव रहे, ठीक है, इट इज इमोर्टल। सो बेसिकली लॉन्ग लिव फ्रांस वो लिखते हैं, एंड वो जब ये लिखते हैं तो वो अपना सर वॉल पर लगा देते हैं और क्लास के बच्चों को हाथ से इशारा करके कहते हैं क्लास इज डिसमिस्ड। बस यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब यहां पर इस चैप्टर का मेन थीम क्या है, यहां पर बताया गया है एजुकेशन की इंपॉर्टेंस। अगर आपके पास एजुकेशन है, आपको कोई भी एनस्लेव नहीं कर सकता, कोई भी अपने बंधन में बांध नहीं सकता। इसके अलावा नेसेसिटी टू रिस्पेक्ट एंड लर्न्स वंस ओन लैंग्वेज, यहां ये बताया गया इस चैप्टर में हमें अपनी भी लैंग्वेज की और दूसरों की लैंग्वेज की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, दैट मीन्स कि हमें यह बताया गया कि किस तरीके से लोगों ने अपनी लैंग्वेज को दूसरों पर इंपोज करना चाहा, जैसे कि जर्मन पीपल ने यह सोचा कि अब एल्सेस एंड लोरेन के स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी ना कि फ्रेंच लैंग्वेज। तो यह क्या हुआ, यह हुआ कि लिंग्विस्टिक शोविनिज्म है, जब हम अपनी लैंग्वेज को दूसरे की लैंग्वेज से ऊपर सुपीरियर बताते हैं। तो यहां पर उसी के बारे में बात की गई है कि लोग अपने लैंग्वेज को हमेशा सुपीरियर मानते हैं, दूसरे की लैंग्वेज को इंफीरियर मानते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको थीम ऑफ पैट्रियोटिज्म मिलेगा कि किस तरीके से लोग जो है बड़े इमोशंस हो गए थे एंड बहुत ही सैड इमोशंस में आ रखे थे, इनको ये लग रहा था कि क्यों हम फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखेंगे एंड वो अपने देश के लिए सोचने लग गए थे अब। एंड फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज, इसके अलावा हमें ये भी पता चला है कि लैंग्वेज की फ्रीडम कितनी ज़रूरी है, लोगों के पास फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए, वो जो लैंग्वेज चाहे वो अपना सकते हैं। एंड एट द एंड मिस्टर एमएल जो है यहाँ पर जो मेन थीम आपको बता रहे हैं इस चैप्टर की, वो ये है कि हमारे पास हमारी मदर टंग होनी चाहिए। मदर टंग इट इज़ सो नेसेसरी बिकॉज इट इज़ योर आइडेंटिटी, अगर आपके पास आपकी मदर टंग है ना, आपको कोई भी अपना गुलाम नहीं बना सकता। नो बडी कैन एनस्लेव यू इफ दे ट्राई, यू हैव द की टू द प्रिजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट, एंड आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको इसी तरीके से सभी चैप्टर्स की समरी चाहिए तो। थैंक यू।